सो गाइज, आज हम सीखेंगे कॉमन इंग्लिश वर्ड मीनिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट वर्ड है डिग। डिग को हिंदी में कहेंगे खोदना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ खोदो, डिग हियर, डिग हियर। नेक्स्ट है म्यू। म्यू को हिंदी में कहेंगे म्याऊ म्याऊ करना। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। कैट म्यूज म्यूज। नेक्स्ट है इंजॉय। इंजॉय को हिंदी में कहेंगे आनंद लेना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खूब मज़ा आया। आई इंजॉयड अ लॉट। आई इंजॉयड अ लॉट। नेक्स्ट है स्टैंड। स्टैंड को हिंदी में कहेंगे खड़ा होना। फॉर एग्जाम्पल, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। स्टैंड अप। नेक्स्ट है ब्लूम। ब्लूम को हिंदी में कहेंगे खिलना। फॉर एग्जाम्पल, बगीचे में फूल खिलता है। फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन। फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन। नेक्स्ट है स्कोल्ड। स्कोल्ड को हिंदी में कहेंगे डांटना। फॉर एग्जाम्पल, वह बच्चे को डांटता है। ही स्कोल्ड्स द किड। ही स्कोल्ड्स द किड। नेक्स्ट है सेव। सेव को हिंदी में कहेंगे दाढ़ी बनाना। फॉर एग्जाम्पल, तुम दाढ़ी बना लो। यू सेव। यू सेव। नेक्स्ट है वॉश। वॉश को हिंदी में कहेंगे धोना। फॉर एग्जाम्पल, हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स। वॉश योर हैंड्स। नेक्स्ट है कट। कट को हिंदी में कहेंगे काटना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे बाल काट दूँ। कट योर हेयर। कट योर हेयर। नेक्स्ट है प्रेस। प्रेस को हिंदी में कहेंगे दबाना या दबाव देना। फॉर एग्जाम्पल, वह मुझ पर दबाव डाल रहा है। ही इज प्रेशरिंग मी। ही इज प्रेशरिंग मी। नेक्स्ट है फ्लू अवे। फ्लू अवे को हिंदी में कहेंगे भागना। फॉर एग्जाम्पल, चिड़िया दूर उड़ गई। द बर्ड्स फ्लू अवे। द बर्ड्स फ्लू अवे। नेक्स्ट है कंप्लीट। कंप्लीट को हिंदी में कहेंगे पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट है लिसन। लिसन को हिंदी में कहेंगे सुनना। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। नेक्स्ट है सर्च। सर्च को हिंदी में कहेंगे खोजना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ खोज लिया। आई सर्च्ड हियर। आई सर्च्ड हियर। नेक्स्ट है नीड। नीड को हिंदी में कहेंगे ज़रूरत। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। यू नीड इट। यू नीड इट। नेक्स्ट है प्रेटेंड। प्रेटेंड को हिंदी में कहेंगे बहाना करना। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरे साथ रहने का बहाना करता है। ही प्रेटेंड्स टू बी विथ मी। ही प्रेटेंड्स टू बी विथ मी। नेक्स्ट है ट्राई। ट्राई को हिंदी में कहेंगे कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा कोशिश करो। ट्राई अगेन।
ट्राई अगेन। नेक्स्ट है थंडर। थंडर को हिंदी में कहेंगे गड़गड़ाहट। फॉर एग्जाम्पल, गड़गड़ाहट ने बच्चों को डरा दिया। द थंडर स्केट द चिल्ड्रेन। द थंडर स्केट द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है थ्रो। थ्रो को हिंदी में कहेंगे फेंकना। फॉर एग्जाम्पल, इसे फेंक दो। थ्रो इट अवे। थ्रो इट अवे। नेक्स्ट है लूज पेशेंस। लूज पेशेंस को हिंदी में कहेंगे धैर्य खोना। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपना धैर्य मत खोना। डोंट लूज योर पेशेंस। डोंट लूज योर पेशेंस। नेक्स्ट है रिच। रिच को हिंदी में कहेंगे पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल, आप किस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हु आर यू ट्राइंग टू रीच। हु आर यू ट्राइंग टू रीच। नेक्स्ट है रिंग। रिंग को हिंदी में कहेंगे बजना। फॉर एग्जाम्पल, फोन बज रहा है। द फोन इज रिंगिंग। द फोन इज रिंगिंग। नेक्स्ट है गवर्न। गवर्न को हिंदी में कहेंगे शासन करना। फॉर एग्जाम्पल, वह अपने मंदिर पर शासन नहीं कर सका। ही कुड नॉट गवर्न हिज टेम्पल। ही कुड नॉट गवर्न हिज टेम्पल। नेक्स्ट है स्टॉप। स्टॉप को हिंदी में कहेंगे रुकना। फॉर एग्जाम्पल, काश बारिश रुक जाती। आई विश द रेन वुड स्टॉप। आई विश द रेन वुड स्टॉप। नेक्स्ट है रुइन। रुइन को हिंदी में कहेंगे बर्बाद करना या खंडहर। फॉर एग्जाम्पल, महल अब खंडहर हो गया है। द कैसल इज नाउ अ रुइन। द कैसल इज नाउ अ रुइन। तो आज का आपका क्विज है, थंडर को हिंदी में क्या कहेंगे हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।